क्लास, मैं सोन शर्मा। तो लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये पढ़ रहे थे। इसी का नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार इस टॉपिक को फिर से दोहराना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, समझा नहीं है, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। रट्टा नहीं मारना है, बहुत ही आसान है हिस्ट्री। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका मतलब था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बात यहाँ पे ये आती है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म इज़ ए पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति की भावना, दैट इज़ नेशनलिज्म। राष्ट्र प्रेम की भावना, दैट इज़ नेशनलिज्म। तो यही नेशनलिज्म है, अपने देश के प्रति जो हमारे मन में प्यार वाले भाव आते हैं, देश के लिए कुछ करने का जज्बा आता है, यही नेशनलिज्म है। तो मैंने ये भी बताया था कि यू कैन कंपेयर दिस विद इंडिया। आप भारत के साथ भी इसको जोड़कर समझ सकते हैं। भारत के ऊपर भी ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था और ढेर सारे लॉज, पॉलिसीज और इंडियन को डोमिनेट कर रहे थे ये ब्रिटिश। तो लोगों के बीच में एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार आता है कि ये लोग तो एक बाहर से आकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, क्यों ना इनको यहाँ से भगा ही दें। तो यहाँ पे हम अपनी लाज बनाएं, खुद बनाएं, अपना लीडर खुद चुने। तो ये सारी चीज़ें थी भारत के अंदर भी नेशनलिज्म हमें देखने को मिला। और महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस नेशनलिज्म के ऊपर। आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वही होता है राष्ट्र प्रेम की भावना। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो एक बार और ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये पेंटिंग को ध्यान से देखा होगा, आपके पास बुक है, समझा भी होगा। तो एक्चुअली ये पिक्चर क्या एक्सप्रेस कर रही है, क्या शो कर रही है, दिखाने में क्या मैसेज दे रही है पिक्चर, तो ये बात नोट करनी है आपने। दूसरा कि हु प्रिपेयर्ड दिस पिक्चर्स। तो दिस पिक्चर इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो, ये याद रखना है। सेकेंडली आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पिक्चर। तो दिस पिक्चर्स नेम इज़ द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये पिक्चर का नाम है। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था लास्ट टाइम में कि आपने देखा फ्रॉम द हीवन, स्वर्ग से, एक तरह के आप देख सकते हैं कि कुछ ईसा मसीहा, संत, फरिश्ते, एंजल्स इस दृश्य में अपनी नज़र जमाए हुए हैं नीचे क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में जो पेंटर है उन्होंने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। वो देख रहे हैं ऊपर से ये सारे ईसा मसीह कि कहीं ना कहीं राष्ट्रों के बीच, लोगों के बीच एक तरह का भाईचारा दिखने को मिला है और वहाँ से ये आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पिक्चर ये देखा आपने। दूसरी पिक्चर आपने देखी कि लंबी एक लाइन बनी हुई है, लोग मार्च कर रहे हैं इस लाइन में, एक रैली में। तो उसके बाद आपने देखा कि एक सबसे आगे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आप देख रहे हैं, एक मूर्ति बनी हुई है ऊपर। तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, और स्टैचू हो गया प्रतिमा, प्रतिमा हो गया मूर्त जो कंक्रीट से बना हो। तो उसके आगे भी कुछ आप सम पीपल्स आगे आगे चल रहे हैं। तो ये भी आपने देखा, ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड जो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। तो नेशन स्टेट्स को भी आपने यहाँ, मैंने बताया था कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। नेशन स्टेट्स का मतलब होता है उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन हिस्ट्री हो, ठीक है, लोगों का सभी का एक ही मतलब कि चुना हुआ रूलर हो, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि फ्रांस जो है अभी अभी इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचता है, फिर जर्मनी और बाकी जितने बाकी इलाके हैं उनको उनके झंडे से या उनके कॉस्ट्यूम से, पोशाक से आप जान सकते हैं। एक ये देखा आपने। दूसरी बार आपने देखा फॉरग्राउंड, नीचे ज़मीन के पास, नीचे कुछ आपको दिख रहा है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये मोनार्की के कुछ ध्वस्त अवशेष हैं,
इसको हम बोलते हैं ध्वस्त अवशेष, मतलब निरकुश राजा के, निरकुश वही अब्सोल्यूटिस्ट इसको हम बोलते हैं। तो ज़मीन पर कुछ उसके स्टैचू के नहीं, मोनार्की के कुछ ध्वस्त पड़े हुए हैं। ये लोग मोनार्की को नहीं चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। मोनार्की बेसिकली इज़ अ रूल ऑफ किंग्स, राजाओं का राज था। होता क्या था कि इन एंशियंट पुराने पुराने टाइम में यूरोप के अंदर क्या होता था, हर एक रीजन पे, हर एक इलाके में मोनार्क एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करते थे। यानी कि एक तरह के इसको आप बोलते हैं निरकुश राजा वो होते थे। वो क्या करते थे, उनका काम था सिर्फ बैटल्स करना और दूसरे राजा को हरा कर उस टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेना। तो यही हुआ करता था। लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो जितने भी मोनार्क थे, राजा थे, वो अपनी ताकत थी लोगों के ऊपर यूज़ करते थे और लोगों की सुनते नहीं थे। और जो भी पीपल्स उनके अगेंस्ट चलते तो उनको वो ढेर सारा पनिशमेंट देते या दंड देते। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हो रही थी। तो इसलिए लोगों के अंदर एक भाव आता है कि हम इस चीज़ को, मोनार्की को यहाँ से हटा देंगे, एक नेशन स्टेट्स बनाएंगे जो हमारे द्वारा चुनकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो उसके बाद नीचे देखा आपने, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड बाय डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये पेंटिंग फ्रेडरिक सरियो का एक यूटोपियन विज़न था। यूटोपियन विज़न होता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे है तो बहुत ही आदर्श, लेकिन वो उसका रियल में होना पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं यूटोपियन। मैंने आपको बताया भी था। और उसके बाद ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये उनका पेंटिंग का नाम था। क्योंकि अब का जो सपना क्या है लोगों में, क्या है, एक तरह का डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक है। तो मैंने बताया था आपको डेमोक्रेटिक क्या होता है, कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाई द पीपल। ठीक है, यहाँ हम भी एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, यहाँ पे लोगों को पूरा ये अधिकार होता है कि वो अपना नेता चुन सकें। दूसरा था सोशल रिपब्लिक। तो सोशल रिपब्लिक को बताया था कि इन विच इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर, मतलब कि जिसमें सरकार और नेता दोनों निर्वाचित होकर आते हैं, उसी को बोलते हैं सोशल रिपब्लिक्स। ये चीज़ें थी। फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग 1848 में बनाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब जिनको समझ नहीं है, वो बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आए टॉपिक हम करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन भी सेंड किया था इसके रिगार्डिंग, तो कि जब नेशन स्टेट्स फ्रांसीसी क्रांति के बारे में तो क्या क्या उनके विचार थे, क्या क्या चीज़ें हुई। तो इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है, राइट। शुरू करते हैं, चलिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, क्या मतलब हुआ इसका, फ्रांसीसी क्रांति एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति आइडिया हो गया विचार ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र का विचार और फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें और क्या था, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार जूम कर लेता हूँ। जिन बच्चों की बुक्स नहीं है वो जहाँ से देख सकते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो यहाँ पे पहला जो राष्ट्रवादी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति भी आपको जानना है, यहाँ पे आपको बोलने की आज़ादी हो उसी को अभिव्यक्ति बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर भी रखना है, अभिव्यक्ति किसको बोलते हैं, जहाँ पे हैं पूरा बोलने का अधिकार हो उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, एक को हटा ही देते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति एंड द राष्ट्र का विचार। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789।
तो राष्ट्रवाद की पहली क्लियर स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब कि बोलने की आज़ादी 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। हैज़ यू वुड रिमेंबर हैज़ ए फुल फ्लैजड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन अब्सोल्यूट मोनार्क। तो यहाँ पे एक वर्ड और आया अब्सोल्यूट मोनार्क। अब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है निरंकुश राजा, राइट। तो निरंकुश का मतलब बता दिया मैंने आपको, तानाशाही बोल सकते हैं आप। तो क्या हुआ 1789 में एक फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे जमीन पर पूरे भूभाग पर बोल सकते हैं आपको पूरी लैंड पर एक निरंकुश राजा का राज था, तानाशाही राजा का राज था ऐसे भी समझ सकते हैं आप उसको। द पोलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, द पोलिटिकल राजनीतिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक चेंजेस बदलाव हुए दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये क्यों हुए, फ्रेंच लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी। तो यहाँ पे एक सॉवरेंटी वर्ड आया है, सॉवरेंटी का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी के अधीन नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने ऊपर ही डिपेंड है, उसको बोलते हैं सॉवरेंटी। तो ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी, सॉवरेंटी में आ गया फ्रॉम द मोनार्की, पहले क्या था राजतंत्र था, मोनार्की होती है राजतंत्र, यहाँ पे से राजों का राज उसको मोनार्की बोलते हैं। तो राजतंत्र से किस में आ गया, सॉवरेंटी में। तो सॉवरेंटी का मतलब होता है प्रभु सत्ता हिंदी में बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सॉवरेंटी का मतलब होता है कि कोई भी देश है किसी के अधीन नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि राजतंत्र से निकल कर वो किस में आ गया, प्रभु सत्ता में, सॉवरेंटी में आ गया, राइट। उसके बाद है फ्रॉम द टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो यहाँ पे बताया गया कि फ्रांसीस नागरिकों के समूह में एक ये तो चेंज तो हुआ, यानी कि वो पहले किसमें था, राजतंत्र तंत्र था, सॉवरेंटी में तब्दील हो गया, लेकिन क्रांति में ये घोषणा की गई अब लोगों द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और वो ही लोग इसका जो फ्यूचर यानी कि उसके जो भी शेप है या उसकी भाग्य जो है लोग ही इसका तय करेंगे। उसके बाद है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी बताया गया है कि शुरुआत से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो वो क्या क्या स्टेप्स दे, सबसे पहले द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री। तो ये याद रखना आप, लॉ पैट्री का मतलब यहाँ पे है फादरलैंड, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं पितृभूमि, और इसको भारत के साथ कंपेयर करके समझ भी सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना मदरलैंड, मातृभूमि। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मातृभूमि है या मतलब पितृभूमि है तो ये हमारे पिता की मतलब भूमि है, तो यहाँ पर हम इसके बच्चे हैं। तो ये चीज़ें उठाई गई, ये विचार उठाए गए, लोगों को लगा ये हमारा ही जो है हम देश है, जैसे आइडिया ऑफ लॉ पैट्री ऐसे कदम उठाए गए। द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री फादरलैंड को पितृभूमि बोलते हैं एंड द सिटी ऑन सिटीजन बोलते हैं। तो इम्फेसिस द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों के विचारों में एक कॉमन यानी को संयुक्त बोलो यूनाइटेड एकता, यूनाइटेड समुदाय के विचार पर बल दिया और जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, सबको बराबर जो अधिकार थे वो एक ही संविधान के अंदर प्राप्त थे, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, जो फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या जो क्वेश्चन मैंने सेंड किया था ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। द ईस्ट स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम द नेशनल असेंबली।
न्यू हाइमंस वर कंपोज ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। इस बात इसी को समझते हैं। तो क्या हुआ, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा जो है चुना गया। तो ये बिल्कुल याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति में जो स्टेप्स लिए गए वो ये स्टेप्स थे। तो एक तो नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, दूसरा जिसने पहले का जो राजध्वज था यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड था राजध्वज, उसकी जगह ट्राई कलर आ गया, राइट। स्टेट जनरल का जो चुनाव वहाँ के जो एक्टिव नागरिकों के द्वारा समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम उन्होंने बदल कर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। पहले स्टेट जनरल था, अभी नेशनल असेंबली नाम रख दिया कर दिया गया। और नई नई स्तुतियाँ हाइमन रची गई, टेकन होत मानी शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया, यानी मॉर्टियर्स क्या होते हैं शहीद, कमेमोरेट मतलब उनका गुणगान करना, शहीदों का गुणगान किया, याद रखना है आपको, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये किसके नाम हुआ, इस सार राष्ट्र के नाम पर हुआ। उसके बाद है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड, रीजनल डायलैक्ट्स वर डिसकरेज एंड फ्रेंच हैज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इस बात को भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भाषा वगैरह के बारे में बताया हुआ है और क्या क्या जो टैक्स वगैरह थे वो हटाए गए हैं। तो यहाँ पे शहीदों का गुणगान तो हुआ, उसके बाद ये राष्ट्र के नाम पर हुआ ये आपने समझा। लेकिन वहाँ पे जो केंद्रीय प्रशासनिक या सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने पूरे हिस्से में या पूरे लैंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून बनाए और जो भी इंटरनल एक्शन यानी कि आयात निर्यात जो टैक्स दे उसको समाप्त कर दिया गया, और जो बार तथा नापने की मेजर एंड जो थे बार और नापने की जो एक समान व्यवस्था लागू की गई, और क्षेत्रीय भाषाओं को डिसकरेज किया गया। और क्या हुआ कि पेरिस में पहले क्या होता था, फ्रेंच जैसी बोली भाषा या बोली लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की सांझा भाषा बन गई फ्रेंच, जो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब आप समझ सकते हैं तानाशाही, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप एंड बिकम नेशन। तो क्रांतिकारियों ने यहाँ पे ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरकुंश शासकों से मुक्त कराए। तो निरकुंश वही हो गया डेस्पोटिज्म। तो ये क्रांतिकारियों ने ये यहाँ पे ये भी घोषणा की कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र का ये जो भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को इस निरकुंश इस मोनार्की से वो मुक्त कराए। तो लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप एंड फ्रॉम द डेस्पोट, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल टू यूरोप बिकम नेशन, ताकि दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने की मदद देगा। When the news of the events in the France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. तो जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के अलग अलग शहरों के बीच पहुंची, तो वहाँ के जो विद्यार्थी थे छात्र शिक्षित जो भी मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक है, ये तो एक तरह की गुप्त मीटिंग लगा लो। Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790s. With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of the nationalism abroad. तो उसके बाद उनकी गतिविधियों और जो उनके कंपेयन अभियान थे, अभियानों ने क्या किया, उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, और 1719 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाके क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद है विद इन द वाइड
स्वैथ ऑफ टेरिटरी एंड केम अंडर द कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस। यहाँ पे स्वैथ वर्ड होता है, स्वैथ वर्ड का मतलब होता है लार्ज एरिया। यहाँ पे लिखा है ना वेन द बाइड स्वैथ SWATHE, तो स्वैथ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया उसको बोलते हैं। तो विद इन द बाइड स्वैथ एरिया, इस लैंड का मतलब ये हुआ कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। दैट रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द इन द फ्रांस थ्रू ही रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड टू नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस वट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड द हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन आर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशेंट। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरम्भ किया जा चुका था तो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। तो मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक मतलब उसको मतलब की तरह का क्रिटिकल करें, तर्कसंगत और कुशल बन सके। लेकिन सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन हैज नेपोलियनिक कोड, ये याद रखना आपको, ये 1804 इसको हम ये नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ बर्थ एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड इन इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। तो यहाँ पे फ्यूडल बर्ड आया एक एफ, याद रखना है इस बर्ड को, पार्टेंट बर्ड है। तो फ्यूडल का मतलब होता है, फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें लोग अपने मालिक की चाकरी करते थे और मालिक उनकी रक्षा, ये याद रखना है आपको। तो बात कर रहे थे एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड पीजेंट्स आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। तो इसमें बोला गया कि 1804 को नागरिक संहिता सिविल कोड, जिसने आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वो उसने क्या किया कि जन्म पर आधारित जिन लोगों को प्रिविलेजेस होते हैं विशेष अधिकार, उन्होंने क्या जिनको जन्म से या जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के अधिक क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विवाजनों को सरल बनाया। और जो भी फ्यूडलिज्म था, इसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं, फ्यूडलिज्म का हिंदी में सामंती बोलते हैं, लेकिन याद रखना है आपको फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जिसमें लोग अपने मालिक की चाकरी करते थे और मालिक उनकी रक्षा। तो जहाँ सामंती फ्यूडलिज्म व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को उनको जो भी उनका ज़मीन पर या उनका जो भी जागीरदारी उसमें जो टैक्स उनको देना पड़ता था या उस शुल्कों में उसमें उन्हें मुक्ति दिलाई। तो शहरों में भी कारीगरों और जो श्रेणी वर्गों में नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, किसानों कारीगरों मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आज़ादी जो उन्होंने चखी, ये बताया गया इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट, इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, नई नई आज़ादी मिली चखी उन्होंने। बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लास्ट स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर जो सामान बनाने वाले लोग थे, छोटे छोटे काम काज करते थे, वो ये समझने लगे
एक समान कानून मानक जो भी बीट एंड मेजर है, और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और जो भी पैसा का आवा जो भी आता जाता था उसमें उनको सहूलियत होगी। तो लेकिन जीते हुए इलाकों में, सॉरी, हाउ एवर इन द एरियाज कनक्वेयर द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल इन द सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड बारसा। द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हरविंगर ऑफ लिबर्टी, वट द इनिशियली इंथुजम सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है निराशा, मतलब एक तरह युद्ध लो, युद्ध समझ लो। इंथुजम होता क्या, उत्साह, खुशी। तो एज इट बिकम क्लियर दैन द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्री अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पोलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्सिक्रिप्शन इन टू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंकोर ए रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम्ड टू आउट वे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इसमें ये बताया गया है कि आपने देखा कि वहाँ पे तो लोगों को वस्तुओं में जो भी उनका पैसे की में यहाँ से वहाँ सामान लेने में जा एक ही जो उनकी राष्ट्रीय मुद्रा थी, तो वो आने जाने में उनको सहूलियत तो होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में द एरियाज कंक्वेयर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, मतलब लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएँ थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड में देखा आपने, स्विट्ज़रलैंड, और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और बारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर ये शुरुआती उत्साह ही दुश्मनी में बदल गया। आपने देखा यहाँ पे, बट द इनिशियली इंथुसिज्म टर्न इंटू हॉस्टिलिटी। तो इंथुसिज्म होता है उत्साह और हॉस्टिलिटी हो गया युद्ध, युद्ध मतलब निराशा। तो मगर ये जो शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, और जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक राजनीति राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, तो बढ़े हुए कर, सेंसरशिप हो गया, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेनाओं में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। तो यहाँ पे जो नया वर्ड यहाँ पे आया हुआ है कंसिक्रिप्शन, तो कंसिक्रिप्शन का मतलब होता है कि जबरन भर्ती करना। तो ये चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति के समय हमें दिखने को मिली। वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे नेपोलियन की भी एंट्री होती है। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट करेंगे, तो क्या क्या फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप, मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन और भी सेंड करूँगा, तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, अभी भी आधे घंटा वीडियो बन ही चुका होगा। तो टेक केयर।